तो आज के हमारे इस क्लास में बलजीत जी के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं वी लुकअप। वी लुकअप, देखिए वी लुकअप से लोगों को डराया जाता है। शुरुआत में हम भी जॉब में जाते थे तो हर कोई कहता था वी लुकअप सीख लेना, वी लुकअप सीख लेना। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर वी लुकअप होता क्या है। तो सिंपल सी हम बात करें, वी लुकअप एक लुकअप मेथड है। जैसे आप अपने कॉलेज के टाइम में वेबसाइट पे जाते थे, अपना रोल नंबर डालते थे और ओके बटन पे क्लिक करते थे, कई हजार स्टूडेंट में से आपका रिजल्ट निकाल के दे देता था। आप बैंक में जाते हैं, बैंक को अपना अकाउंट नंबर देते हैं, तो बैंक अपना अकाउंट नंबर डालता है और जैसे ही एंटर प्रेस करता है, लाखों करोड़ों अकाउंट में से आपके अकाउंट की डिटेल्स निकाल के दे देता है। दैट कॉल लुकअप मेथड। मतलब कि एक बड़े से डेटाबेस में से एक पर्टिकुलर यूनिक आईडी के बिहाफ पे बाकी इंफॉर्मेशन को निकालना, दैट इज वी लुकअप। अब इसकी जरूरत समझिए। आपके सामने मैंने यहाँ पे डेटा रख रखा, राइट। इस डेटा में ये हमारा आईडी नंबर है जो कि यूनिक है। अब मान लीजिए कि मेरे बॉस ने मुझे कुछ कुछ आईडी भेजा यहाँ, ठीक है। उन्होंने बोला कि मुझे इन आईडीज का डेटा निकाल के दो, ठीक है। अब मैं वी लुकअप ना लगाऊं तो क्या करना हो? मैं पहले डेटा में जाऊंगा, आईडी कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल एफ करके 105 सर्च करूंगा, और या फॉर्मूला की जगह पे मुझे वैल्यू करना होगा, हाँ 105 को सिलेक्ट करूंगा, रिजल्ट आ गया। देन डेटा को कॉपी करूंगा और फिर अपने इस डेटा पे पेस्ट कर दूंगा, यही करूंगा सर। अब इसमें दो प्रॉब्लम है। पहली कि आपके पास चार पांच चीजें हैं तो कंट्रोल अप करके निकाल लीजिए। दूसरा, अगर मान लीजिए कि कल के डेट में सेम काम आया और यहाँ पे इस बार आईडी 104 का है, तो फिर इसी काम को आपको दोबारा करना पड़ेगा, समझे? कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा। तो वी लुकअप, हाँ, हम कुछ चाहते हैं कि मैं फॉर्मूला लगा दूं और जैसे यहाँ नंबर चेंज हो, रिजल्ट अपने आप चेंज हो जाए। जैसे कि आपके बैंक में अकाउंट नंबर डालते चेंज हो जाती है, या फिर आपका एम्प्लॉई को डालते चेंज हो जाती है, लाइक इस तरह से। तो यहाँ पे हम लगाते हैं वी लुकअप। वी लुकअप का रूल होता है वर्टिकल लुकअप। देखिए, वी लुकअप लगाने से पहले कुछ चीजों देख लीजिए। पहला कि आपका जो डेटा है उसमें जो आपकी यूनिक आईडी है हमेशा स्टार्टिंग में होना चाहिए, ठीक है। और वी लुकअप में जो हम डेटा सिलेक्ट करेंगे वो हम इसी आईडी नंबर से ही शुरू करेंगे। दूसरा, जो आपको जिस कॉलम का फील्ड आपको लाना है उस फील्ड की काउंट देख लीजिए। जैसे मुझे अगर डेट चाहिए तो यहाँ पे पहला और दूसरे पे डेट है, ठीक है। उसके बाद यहां मैं लगाता हूं वी लुकअप। वी लुकअप में मैंने इसको सिलेक्ट किया, टेबल डेटा में गए, डेटा को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने कॉमा लगा डाला 1 एंड 2। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि 104 को लुकअप करेगा तो पूरा का पूरा कॉलम डेटा ले लेगा ना सर, ये ए से लेके एम तक का डेटा लुक निकाल कर रखेगा अपने पास वी लुकअप। लेकिन एक्सेल का एक स्पेशल रूल कहता है कि एक सेल में किसी एक सेल की वैल्यू को ही आप लिंक कर सकते हैं, इसलिए यहां पे आपको कॉलम देना होगा। तो मैं डेट देखना चाहता हूं तो डेटा में डेट पहले और दूसरे नंबर पे है, देन कॉमा, देन 0। एंटर प्रेस किया, यहां देखिए हमारा वी लुकअप का डेटा आ गया। अब मैं यहां पे 105 करूंगा तो 105 का आएगा, 104 करूंगा तो 104 का आएगा। तो सिर्फ डेट दिखाया, तो जितने कॉलन आपको उतने बार वी ये सर लुकअप आपको लगाने पड़ेंगे, सेम उसी तरह से। ये क्या हो गया? एक ही शीट पे दो शीट है सर, जी हाँ, एक शीट पे एक डाटा शीट पे है, डाटा दूसरी है, शीट पे भी तीसरी लुकअप पे भी लगा लुकअप रहे हैं। लगा रहे हैं। हाँ, एक सीट में भी हो सकता है या अलग अलग फाइल में भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगाने का तरीका सेम। ठीक है यहाँ पे गए, उसके बाद अपने टेबल डेटा पे गए, इसको सिलेक्ट किए। इस बार है हमारा सेल्स वैल्यू, जो कि कितने नंबर कॉलम में? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा नंबर कॉलम। अब इस तरह से कॉलम गिनने में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैं देख लिया कि मुझे क्वांटिटी सोल्ड का डेटा लाना है, राइट।
तो मैं वी लुकअप लगाऊंगा, डेटा में जाऊंगा और मैं देखूंगा यहाँ पे क्वांटिटी सेल्स पे आते हैं, आप देख सकते हैं कि 10,48,576 आर मल्टीप्लाई बाई 5C है ना सर। तो 5C मतलब आर मतलब रो एंड सी मतलब कॉलन, तो पांचवा कॉलन है, तो हम यहाँ पे कॉमा 5 कर दें, तो काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं। उसी तरह से मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाता हूँ, अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, डेटा पे गए, डेटा को सिलेक्ट किया, इस बार क्या है 6 है, तो यहाँ पे कॉमा हम 6 करते हैं। अभी तो मेरा डेटा सिक्वेंसली है, इसे हम सिक्वेंस डाल रहे हैं, लेकिन आपका डेटा सिक्वेंस होगा इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए आप जो रूल है उसी को फॉलो कीजिए। प्रॉफिट 7वें नंबर पे है, चलिए कॉमा 7,0, देन टोटल सेल्स वैल्यू वी लुकअप, इसको सिलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू डेटा में है। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जो आपकी आईडी जिसको लुकअप कर रहे हैं, जो आईडी को इमिक आईडी को, उसी से डेटा सिलेक्ट करेंगे। एंड अगेन यहाँ पे हम लगाते हैं वी लुकअप, हमने सिलेक्ट किया लुकअप वैल्यू, गए टेबल एरे में, टेबल डेटा को सिलेक्ट किया एंड कॉमा 9,0, उसके बाद यहाँ पे अगेन वी लुकअप, हमने इसको सिलेक्ट किया। अच्छा वी लुकअप में लगा कैसे रहा हूँ, पूरा लिख रहा हूँ, कुछ समझ दिख रहा है आपको क्या कर रहा हूँ? देखिए कोई भी फॉर्मूला सर आप वो लगा दिख तो रहा है, लेकिन आपने ना एक्सप्लेन नहीं किया मेरे को एज ए कि सकते आप ऊपर वी लुकअप लगा रहे हो, कॉमा लगा रहे हो, A3 डाटा कॉन्सेप्ट, ये हो सारी चीजें वो तो समझ रहा हूँ मैं, लेकिन कैसे एक वी लुकअप लगाते कैसे वो सर। आपने मेरे को एक्सप्लेन नहीं किया सर। सिंपल सा मैं इक्वल प्रेस कर रहा हूँ, वी लुकअप पे नहीं, कोई भी फॉर्मूला आप लगाते हैं, क्या आपने अभी तक कोई हाँ फॉर्मूला नहीं लगाया एक्सेल में? नहीं लगाया है, जैसे लगाया बाकी फॉर्मूला लगते हैं ऐसे लगते हैं कि इक्वल किए, वी लुकअप है टाइप ऊपर किए, के। हाँ पूरा वी लुकअप लिख के ब्रैकेट ओपन कर दीजिए या टैब प्रेस कीजिए, वी लुकअप आ जाएगा आपका। ऐसे बाकी फॉर्मूला लगता है, हर फॉर्मूला इसी तरह सप्लाई होता है, और फॉर्मूला के अंदर इनपुट देख रहे हैं लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू को जगह पे लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, कॉमा टेबल है, हम डेटा में है, डेटा को सिलेक्ट कर लिया, फिर आजकल कॉमा कुछ दिए, दौड़ते दौड़ते कॉलम ठीक नंबर है ठीक। जो कि 11 है 11 दे दिया, और यहाँ पे लुकअप रेंज जो कि हमें एग्जैक्ट मैच करना है, तो यहाँ पे फॉल्स को सिलेक्ट कर लीजिए या फिर 0 दे दीजिए, क्योंकि एक्सेल में 1 इक्वल टू ट्रू होता है और 0 इक्वल टू फॉल्स होता है। अच्छा अच्छा ये मैं ये कह ये रहा नहीं हूँ कह कि रहा कि 11 जो 11 आपने तो लिया है ये आपने लिया किस पे ही आप पे इस लिया पे सर? आप सर, लग रहा आप ध्यान से नहीं देख रहे हैं राइट, हमने इतना सब बताया आपको, ध्यान से देखिए वो क्या मैं समझ है, मैं गया कंस आपकी की बात, बात। देखिए लेकिन मैंने क्या बोला 11 कि आप एक कॉलम को ले रहे हो, रो मिनट को ले रहे हो ना जी। बीच में मत टोकिए सर, सुनिए समझिए उसके बाद बोलिए, ठीक है ना। मैं ये शुरुआत मैंने क्या बोला कि दो चीजों को देखना जरूरी है, पहला कि आप जो आईडी, जो जिस आईडी को लुकअप करना है, जिस आईडी का डिटेल आपको लाना है डेटा में, वो आईडी स्टार्टिंग में होना चाहिए राइट। ठीक दूसरा मैंने बोला कि मुझे इस कॉलम, क्योंकि एक बार में एक ही कॉलम का डेटा आएगा, तो मुझे जी कस्टमर का ठीक डेटा लाना है, तो आप यहां जाके देख लीजिएगा कि कस्टमर का कॉलम कितने नंबर पे है, कितने नंबर पे है, 12 नंबर पे, समझे। ट्वेल्व तो अब जब मैं इक्वल करूंगा, वी लुकअप लगाऊंगा और 104 को सिलेक्ट किया, और हम चले गए डेटा में, और हमने आईडी से सिलेक्शन किया, और सिलेक्शन करते देखिए कर्सर लाया, अब कर्सर आता दिख रहा है कस्टमर में, जो कर्सर मैंने रोका, अभी मैंने क्लिक किया हूं, क्लिक छोड़ा नहीं मैं, कुछ दिख रहा है ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है? सर ये पूरा सर ये क्लियर पूरा क्लियर क्लियर नहीं हो रहा, लिखा कुछ लिखा हुआ हुआ आ रहा है। आ रहा है 1,04,576 R ये जो मल्टीप्लाई ऊपर बाय, लिखा तो रहा है हाँ ना वो वन टू सिक्स स्मॉल है, स्मॉल हाँ वो स्मॉल ही आता है सर, मैं कर्सर जैसे हटाऊंगा हट जाएगा, इसलिए मैं कर्सर हटा नहीं रहा, यहाँ देखिए ठीक है। ठीक है 12C, 12C का मतलब हुआ कॉलम, सी का वर्जी मतलब हुआ कॉलम, तो हम पहले अगर काउंट नहीं किए हुए हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि भाई 12C है, मतलब कि 12 कॉलम, फिर पूरा डेटा सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे कॉमा दे दीजिए 12, ठीक है, फिर फिर जीरो यहाँ लगा पे दिया। जीरो कीजिए या फॉल्स कीजिए, समझे, एंटर प्रेस करते रिजल्ट आए। एक बार और बताता हूं, मुझे जोन का लुकअप करना है, तो या तो मैं डेटा में जाके जोन को देख लूंगा कितने नंबर डेटा पर, ठीक है, तो जोन 13वें नंबर, अच्छा अगर मैं नहीं देख पाया तो
तो मैं वी लुकअप लगाऊंगा, हम लुकअप वैल्यू को क्लिक करके सेलेक्ट किया, कॉमा दिए, डेटा में गए और डेटा में पूरी की पूरी कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। रेंज मत सेलेक्ट कीजिए, पूरी कॉलम सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे कर्सर ले गया ऊपर में 13C दिख गया आपको, यहाँ 13C दिखा ना सर, तो इसका मतलब है कि कॉमा ठीक 13 और कॉमा है, 13 जीरो 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 ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज, अब समझ में आया वी ठीक लुकअप है, आ गया सर, आ गया सर, क्लियर है। क्लियर है, क्लियर है। अब बात करते हैं कि वी लुकअप लगाते समय परेशानी क्या होता है। आपने देखा कि मुझे 13 अलग अलग वी लुकअप जी लगाने पड़े जी सर। अब इससे फायदा क्या हुआ कि जैसे मैं यहाँ पे नीचे तक आसानी से इसको नीचे की तरफ हम कॉपी पेस्ट कर देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने पूरा का पूरा कॉलन लिया हुआ है तो अब यहाँ पे अगर मान लीजिए A1 से A51 किया तो फ्रीज करना पड़ेगा, इसलिए आप पूरी की पूरी कॉलम लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एन ए क्यों आया, क्योंकि ये 500 ID एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वी लुकअप को अगर कोई चीज नहीं मिलेगा तो वहां पे इस तरह से एन ए कर देगा। ठीक तो इससे फायदा हुआ कि हम निकाल लिए, अब जिसको भेजना है हम है, कॉपी करके वैल्यू पेस्ट करके भेज ठीक देंगे किसी को, जैसे बॉस को भेजना है ना, मेल पे भेजना है, तो इसको कॉपी करेंगे हम, कॉपी करके मेल वर्डी पे पेस्ट करके या फिर एक नई एक्सेल फाइल वैल्यू पेस्ट करके हम अटैच करके भेज देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मुझे इतने सारे लगाने पड़े, मान लीजिए कि कल के रेट में 30-40 हो तो क्या होगा, 30-40 कॉलन हो तो मुझे 30-40 लगाना पड़ेगा। अब चलिए इसी चीज को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्मूला वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, डेटा में गए और डेटा को सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे कॉलम ठीक नंबर 2 कर दिया, यहाँ पे 0 कर दिया। है, अब मुझे इसको ड्रैग करना है, तो जैसे मुझे ड्रैग क्या करना है, लेफ्ट टू राइट करना है, तो लेफ्ट टू राइट अगर करूंगा तो ए हमारा बी बन जाएगा ना सर, ये जानते हैं कि नहीं सर। ठीक है, ठीक जैसे इसको ड्रैग किया तो आप देख सकते हैं है, ए हमारा बी बन गया, यहां पे बी हो गया और यहां पे बी हो गया, जो कि गलत है। तो हम यहां पे इसके आगे डॉलर का साइन लगा, हम शिफ्ट के साथ डॉलर फोर जो है डॉलर साइन उसको यहां पे का, लगा दिया, अच्छा, और यहां पे आप एफ ओके फोर ओके, कर दीजिए, एफ फोर या डॉलर मैनुअल डॉलर लगा दीजिए या फिर एफ फोर कर दीजिए, F4 कर दे, ठीक है। अब मैंने फोर के अच्छा, आगे डॉलर क्यों नहीं लगाया, फोर के फोर आगे, के आगे ए फोर के हमने ए के हाँ, आगे डॉलर लगाया बट फोर के एक के आगे डॉलर आगे क्यों नहीं डॉलर, लगाया, हाँ, फोर के हाँ आगे फोर डॉलर नहीं के आगे लगाया डॉलर आपने, लगाया आपने, क्यों नहीं लगाया सर, आई डोंट सर, आई नो, डोंट नो। इसलिए कि जब मैं लेफ्ट टू राइट ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे कि यहां पे हमारा ए फिक्स रहेगा, ठीक है, लेकिन एक जब मैं रहेगा, ऊपर से नीचे डाउन करूंगा तो फोर हमारा 5 हो जाएगा, जो कि होना चाहिए। अगर मैंने डॉलर यहां लगा दिया तो नीचे 5 नहीं हाँ, होता, 4 होता, जो कि गलत होता ना, अच्छा, समझे, समझ आया कि नहीं सर। समझ समझ आ गया आ सर, गया अभी सर, मैं ये अभी मैं समझ ये कर रहा हूँ, समझ अभी कर तक रहा हूँ कि जो जो डॉलर डॉलर लगा रहे लगा हैं रहे उस हो वाले इस पैसे वाले के में पैसे इसी रो पे, में, हाँ सर जी, हाँ जी, डॉलर उसको लगाने का बैंक कंसेप्ट क्या समझिए, जब भी आप कोई फॉर्मूला को ऊपर नीचे आगे पीछे ड्रैग करते हैं तो फॉर्मूला हाँ जैसे ड्रैग करते उस सीक्वेंस में बढ़ता घटता है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझे ठीक क्या है, होता है, ठीक है, बढ़ता बढ़ता घटता है। घटता है, तो अगर आपका बढ़ेगा घटेगा दिक्कत हो जाएगी ना सर, दिक्कत होगी ना सर, बताइए। जी 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 तो यस सर, यस सर, वो बढ़े घटे ना, इसलिए हम डॉलर का साइन, जहां पे बढ़ाना है वहां पे नहीं लगाते हैं, जहां पे नहीं बढ़ाना है वहां पे लगा देते हैं। जैसे कि मुझे ए को बी नहीं करना है, इसे लगा दिया, पर जब ऊपर से नीचे समझ ड्रैग गया, करें तो 4, 5, 6, 7 हो, तभी तो बाकी आई नंबर लेगा वो। ठीक है अब मैं इसको जी, ड्रैग करता हूं, ड्रैग किया। अब ड्रैग करने से दिक्कत क्या हो गया कि ये सब इस तरह से दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये डेट फॉर्मेट था, तो ड्रैग होते ही डेट फॉर्मेट भी आ गया। तो ड्रैग करने के बाद यहां देखिए कुछ इस तरह का प्लस का साइन बन के आए, इस पे क्लिक कीजिएगा और सिलेक्ट कीजिएगा फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, विदाउट
फॉर्मेटिंग, तो फिर वो फॉर्मेटिंग नहीं आएगा। अब यहाँ पे एक्सेस आ रहा है क्योंकि इसकी कॉलम की साइज छोटी है, इसलिए हमें कॉलम बढ़ाना पड़ेगा। एक साथ सारा कॉलम बढ़ाना है तो पूरे सीट को सिलेक्ट करके किसी भी कॉलम पे डबल क्लिक कर दे, क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं ऑटो फिट। क्या बोलते हैं? ऑटो फिट हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिजल्ट सब गड़बड़ आ रहा है। गड़बड़ी आ रहा है क्यों? सर। सर इसका रीजन ये है कि ड्रैग करने में हमारा कॉलम नंबर चेंज थोड़ी हुआ। कॉलम नंबर तो दो ही सब में है, चलिए सब में दो है ना। चलिए। अब मुझे फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, बस एक एक करके चेक करके हमारा जो कॉलम नंबर है वो हमें दे देना है, ठीक है? अच्छा, कॉलम नंबर कॉलम चेंज नंबर कर देना चेंज है कर देना इसमें है अपन इसमें। ये वाला। जैसे कि यहां पे मैंने क्या कर दिया, 3 कर दिया। फिर हमने सेल्स वैल्यू को चेक किया डेटा में, सेल्स वैल्यू हमारा चौथे नंबर पे है, तो यहाँ पे मैंने 4 कर दिया। फॉर्मूला पे डबल क्लिक करके क्वांटिटी सोल्ड हमारा डेटा में 5वें नंबर पे है ना, 5वें नंबर पे, तो यहाँ पे जाके हम 5 कर दिए। ठीक है ये हमारा छठे नंबर पे है तो छठा 6 कर दिया। तो इससे एक एक थोड़ी सहूलियत हो गई ना सर, कि बार बार फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। क्या सर? समझ गया मैं। समझ मतलब गया मैं, कि मतलब कि उसी में उसी ड्रैग में करने ड्रैग के बाद करने के खाली बाद खाली वही वो कॉलम को चेंज कॉलम कर को देना चेंज है कर देना इसमें। है। जी हाँ, कॉलम चेंज करता हूँ। लेकिन अगर 30-40 होगा तो कॉलम भी प्रॉब्लम करेगा। हाँ कॉलम भी हाँ, प्रॉब्लम कॉलम भी करेगा, प्रॉब्लम ज्यादा करेगा, हो ज्यादा जाएगा। हो जाएगा। एक सेकंड लीजिएगा सर, एक सेकंड, एक कॉल है। सॉरी सर, एक आउट ऑफ इंडिया कॉल था, उठाना जरूरी था क्योंकि मेरे मोबाइल कोई में नहीं, आईएससी फैसिलिटी नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा 11 हो जाएगा। लेकिन मैं इससे भी खुश नहीं कि मुझे एक एक के सीरियल नंबर लिखना पड़ रहा है, मैं नहीं लिखना चाहता। तो क्या करें? एक तरीका और है। देखिए, वी लुकअप वही है, बस तरीके चेंज हो रहे हैं, ठीक है सर? मैंने एक रो इंसर्ट किया सबसे ऊपर, और जितने भी कॉलम नंबर थे अच्छा ना मैंने यहां पे हाँ चेक ठीक करके मैन्युअली लिख दी। है। मैं तो ऐसे लिख रहा हूं, बट आप चेक करके लिखिएगा, ठीक है? मैंने यहां पे लिख दिया मैन्युअली टाइप। अब मैं यहां पे वी लुकअप लगाता हूं सेम उसी तरीके से। वी लुकअप, हमने लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, डेटा में गए, डेटा को सिलेक्ट किया, और यहां पे जो कॉलम नंबर मैनुअली 2-3 लिखते थे वो ना लिख के मैं वी लुकअप वाले सीट पे वापस यहां पे क्लिक करूंगा, और जो 2 है इस 2 को सिलेक्ट करूंगा, देन कॉमा, देन एंटर प्रेस किया, रिजल्ट आ गया। अब मुझे ड्रैग करना है तो ड्रैग करने के लिए वही जो फ्रीजिंग वाले पार्ट है वो करना होगा कि भाई ए हमारा बी ना बने, ए से एम जो है बी से एन ना बने, F4 दबा दिया मैंने। और बी वन में हमें 1 फ्रीज करना है क्योंकि हमारा रो फिक्स है बट कॉलम हर किसी का अलग अलग है ना, इसलिए हम 1 के आगे डॉलर लगाएंगे। अच्छा, और फ्रीज करने के लिए हमें डॉलर लगाना होता है जी सर। जी बिल्कुल। और अच्छा इसको ओके सिलेक्ट ओके किया,
और यहां पे मैंने फिर विदाउट फॉर्मेटिंग कर दिया, रिजल्ट आ गया। एक चीज और है, एक एक्सेल में फॉर्मूला होता है कॉलन का, क्या होता है कॉलन। कॉलम फॉर्मूला में जिस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया डेट में, डेटा शीट के अंदर जाके डेट को सिलेक्ट करके एंटर मारा, तो ए रिजल्ट क्या दिया मुझे, टू दिया। और हम वी लुकअप में क्या डाल रहे हैं, टू ही तो डाल रहे हैं क्या। तो क्यों ना वी लुकअप लगाते समय मैं कॉलम का ना डाल दूं, जिससे मुझे ऊपर 1 2 3 करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पे मैंने वी, सर एक्सेल के अंदर में एक कॉलन फॉर्मूला होता है, कॉलन फॉर्मूले के अंदर जिस कॉलन की वैल्यू को सिलेक्ट करें, जैसे मैंने यहाँ पे B3 सिलेक्ट कर लिया ना सर, डेटा के अंदर B3, तो B3 मतलब B कॉलम ए और B, तो दो कॉलम है, टू कॉलम नंबर टू, तो टू आपको रिजल्ट दे। और हमें वी लुकअप में टू ही तो डालना है, सी होगा तो 3 देगा, डी होगा तो 4 देगा, इस तरह से। तो मैं वी लुकअप में इस कॉलम फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं, वी लुकअप डेटा में गए, डेटा को सिलेक्ट किया, और यहां जहां पे हम 2 3 4 5 मैनुअल लिखते हैं, उसके जगह पे मैं लिखूंगा कॉलन। कॉलन में हम E2 को सिलेक्ट, B1 को सिलेक्ट करके कॉमा 0 करते एंड एंटर प्रेस की, रिजल्ट आ गया, नंबर आया, क्योंकि इसमें डेट का फॉर्मेट नहीं डाला है। डेट का फॉर्मेट डाल दीजिएगा तो फिर डेट दिखेगा आपका, डेट का फॉर्मेट होम मेनू बार में यहां होता है। अब आगे ड्रैग करना है तो फ्रीज तो करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे A6 को फ्रीज कर दिया डॉलर साइन लगा के, तो मैं और A से M को फ्रीज कर दिया। अब B1 को फ्रीज करने की जरूरत है, क्योंकि B1 2 3 4 5 से कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर इसको हमने यहां पे ड्रैग कर, और फिर यहां पे फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, ये आसान हुआ। अब चलिए इससे भी आसान कर दे, क्योंकि ए मेथड हम तभी अप्लाई करते हैं जब आपका डेटा स्टार्टिंग से हो, ठीक है, और डेटा के हेडिंग का सीक्वेंस और जहां आप वी लुकअप कर रहे हैं उसका हेडिंग का सीक्वेंस सेम होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। लेकिन एक है एरे, तो जैसे कि अब आपके पास 2010 है, तो आपको क्या करना है कि जितने एरिया में आपको वी लुकअप लगाना है उतना एरिया सिलेक्ट कर लीजिए। तो सिलेक्ट कर लिया, अब देखिए एक जादू बताता हूं कि मुझे एक ही वी लुकअप से पूरा डेटा आ जाए, अच्छा तो क्या करना है, पूरे के पूरे एरिया को ठीक पहले सिलेक्ट कर लो, फिर है। आप यहां वी लुकअप लगाए। वी लुकअप याद रखिए, वी लुकअप हमेशा बी कॉलम में लगेगा, यहां ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्टार्टिंग में लुकअप वैल्यू डेटा के डेटा को सिलेक्ट कर। अब जो मैं मैनुअली एक एक कॉलम नंबर ढूंढ के देता था, तो मैं पहले सारे कॉलम नंबर मैं कहीं पे लिख लूंगा या याद कर लूंगा, फिर कर्ली ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है, कर्ली ब्रैकेट सर, एक क्या बोले, मिनट। हाँ ठीक है, एक डाटा डाटा आपने लिखा बी लुकअप ए। हाँ जी ठीक लुकअप में वही लगा रहा हूं जहां पे मैं नॉर्मल 2,0 ठीक है करता था ठीक है ना, ठीक वहां है। पे मैं हाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे कॉलम नंबर एक ही बार दे दे रहा हूं, जितने कॉलम नंबर मुझे देने हैं अलग अलग अच्छा लुकअप में, हाँ 3 4 5 6 7 8। अब मैं यहाँ पे सीक्वेंस डाल रहा हूं, आप अपने कॉलम के अकॉर्डिंग डालिएगा, ठीक है, ठीक यहाँ पे सीक्वेंस देना जरूरी नहीं है, जो जानना है कि भाई मुझे दूसरा चाहिए, फिर तीसरा चाहिए, या फिर पांचवा चाहिए, फिर छठा चाहिए, या फिर मुझे आठवां चाहिए, उसके बाद सातवां चाहिए, तो जो भी हो आप यहाँ पे इकट्ठा सारा कॉलम नंबर दे दीजिए और फिर कॉमा 3। अब यहाँ पे नॉर्मल एंटर नहीं मारना, अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है, जैसे कि एक्सेल 2021 1916, तो नॉर्मल एंटर मार सकते हैं, बट पुराना है 13 है 16 है 13 है 10 है और 2007 है, तो वहां पे आपको करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर शिफ्ट एक साथ प्रेस एंटर कीजिएगा, एक साथ। ठीक मैं दोबारा इसी फॉर्मूले को लगाकर दिखाता हूं, ठीक है, हमने दिया यहां पे वी लुकअप, इसको सेलेक्ट किया, ठीक टेबल में ठीक गए, है टेबल को सेलेक्ट किया,
सारे कॉल नंबर मैंने याद ठीक कर रखे हैं यहाँ पे, मैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। और मैं दोबारा बता देता हूँ कि सिक्वेंसली होना जरूरी नहीं है, आप अपने डेटा के सिक्वेंस के अकॉर्डिंग डालेंगे। अच्छा अब यहां पे मैं नॉर्मल एंटर नहीं करूंगा, मैं करूंगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं नहीं हुआ? क्योंकि हुआ। मैंने एक चीज भूल गया। क्या भूल गया सर? लुकअप लगा दिया, हाँ ये लगा दिया, जीरो लगा दिया शिफ्ट के लिए, क्या ये भी डाटा है यहाँ। बोला बताइए, यस सर, मैं आपने क्या शुरू में बोल रहा वो वैल्यू ले हूँ? लिया वैल्यू ना नहीं लिया ना, जो सबसे जो एक सबसे कॉलम एक में कॉलम है। में है। नहीं, मैंने शुरुआत में सिलेक्शन नहीं किया, सिलेक्शन वही है ना, सिलेक्शन एक वही है ना, कॉलम एक का जो कॉलम सिलेक्शन का जो करते हैं या फिर सिलेक्शन सारा एक कॉलम सिलेक्शन। नहीं, हाँ जहां जहां वी लुकअप लगाना है उस पूरे हाँ हाँ एरिया ठीक है को ठीक है ठीक सिलेक्ट है, आपने करना है। सिलेक्शन नहीं किया, ठीक है ना? अब नहीं किए तो सिलेक्शन कर लीजिए, फिर आप जो है ठीक। F2 प्रेस कीजिए, या फिर इस पर क्लिक कीजिए, ऊपर में फॉर्मूला को एक्टिव अच्छा कीजिए और फिर मतलब कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करें। F2 F2 करना पड़ेगा करना मुझे? पड़ेगा मुझे। फॉर्मूला एक्टिव होगा तभी ऐड चलेगा सर। नहीं सर एफ मेरे को टू पता कीजिए नहीं या है ना, इसलिए एफ पूछ टू रहा हूँ। प्रेस कर दीजिए या ऊपर फॉर्मूले बार में क्लिक कर दीजिए, ओके ठीक यहां पे क्लिक कर दीजिए, फॉर्मूला एक्टिवेट करना होगा आपको। हाँ ठीक है ठीक सर है, लेकिन इसको बोलते ठीक। हैं एरे। क्या बोलते हैं? एरे। अरे अरे एरे में एक प्रॉब्लम है कि किसी एक फॉर्मूले को डिलीट कर सकते हैं ना चेंज कर सकते हैं। डिलीट या चेंज अच्छा होगा तो अच्छा पूरा का फॉर्मूला, मान लीजिए मुझे कुछ चेंज करना है तो मुझे क्या हाँ करना होगा कि चेंज करके फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना हो। चेंज करना चेंज करना होगा, होगा, समझा नहीं सर समझे मैं नहीं आपको, सर। जैसे कुछ कि डाटा फॉर्मूले में चेंज चेंज, करना कुछ सर। फॉर्मूले में चेंज, मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे 10 2 बार चाहिए था, ठीक है ना, तो 10 डाला, तो नॉर्मल एंटर मारेंगे तो नहीं चेंज हो, नहीं हुआ। अच्छा मुझे अच्छा करना ठीक है, हो दोबारा कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल बनाना शिफ्ट एंटर करना होगा, कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट। शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर चेंज करने के चेंज बाद करने के बाद, चेंज करने के बाद हाँ, चेंज अच्छा करके ठीक नॉर्मल है एंटर ठीक नहीं मार पाएंगे। है ठीक है ठीक है ठीक है समझ में आ गया? जी। चलिए, अब क्या है कि मेरे पास जो डेटा है ना सर, उसकी हेडिंग हमेशा चेंज हो जाती है और कुछ भी हो सकती है, कोई अच्छा सीक्वेंस नहीं है। मान लीजिए कि अभी मैंने मुझे जोन चाहिए, राइट, यहाँ पे तो मैंने वी लुकअप लगाया, इसको सिलेक्ट किया और फिर डेटा में चले गए और हमने यहाँ पे 13 नंबर डाल दिया एंड कॉमा 0 कर दिया, आ गया जोन साउथ। अब सडनली क्या हुआ कि मेरे बॉस ने बोला कि नहीं मुझे जोन नहीं, मुझे प्रॉफिट चाहिए। अब फिर मैं वापस वी लुकअप लगाऊंगा, प्रॉफिट का कॉलम नंबर देखूंगा और यहाँ पे उसको 7 करूँ, तब जाके प्रॉफिट आएगा। आया ना सर? सो मैं चाहता हूं कि मेरे कॉलम का जो हेडिंग है ना, वो हेडिंग और डेटा के अंदर जो हेडिंग है वो इक्वल है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा वी लुकअप इससे रीड कर, किससे रीड कर ले, इस प्रॉफिट क्वांटिटी वगैरह से मेरा रीड कर ले और रीड करके यहां पे मुझे डेटा दे। समझे? तो उस केस में मैं यहां, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैच का। क्या होता है? मैच। जी हाँ, बिल्कुल वी लुकअप की तरह लगता है कि लुकअप वैल्यू, हमने लुकअप वैल्यू ले लिया और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लेता है, मतलब कि आप इसको इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हो और इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे तो सिलेक्ट करना है अपना हेडिंग सिलेक्ट करना है ना, तो मैंने पूरा का पूरा रो रो 1 बाय 1 ले लिया, जैसे कॉलम होता है ए बाई ए, ऐसे रो होता है 1 बाय 1। और यहां पे एग्जैक्ट मैच करने के लिए हमने 0 ले लिया और एंटर प्रेस किया। तो मैच क्या करता है कि किसी सेल वैल्यू को रो या कॉलम में ढूंढता है, अगर मिल गया तो उसका कॉलम सीक्वेंस नंबर या रो सीक्वेंस नंबर देता है। फिर इसने क्या दिया, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, नहीं 0 नहीं, 1 से होगा साहब, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसने यहाँ पे 7 नंबर दे दिया। मतलब कि जब वी लुकअप हम लगाएंगे तो
वी लुकअप लगाने के बाद हम डेटा में सेलेक्ट करेंगे, और जब मैन्युअली मैं यहाँ पे कॉमा 7 कॉमा 0 करूंगा तब जाके रिजल्ट आएगा, है ना। तो जो यहाँ मैन्युअली हमने 7 किया हुआ है, ये 7 मुझे मैच फॉर्मूला जब दे रहा है, तो क्यों ना इस मैच फॉर्मूले को मैं कॉपी कर लूं, डबल क्लिक किया इक्वल के बाद जाके इस फॉर्मूले को कॉपी कर लिया, एस्केप प्रेस करके बाहर निकल आया और यहाँ 7 के जगह पे पेस्ट कर दिया। तो आप कॉपी पेस्ट कर ले या फिर इकट्ठे ये फॉर्मूला लगा ले, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो बी लुकअप को कॉलर नंबर चाहिए वो मैच दे देगा, मैच कहाँ से देगा, वो हेडिंग को डेटा के हेडिंग में सर्च करेगा, मिल गया हेडिंग तो उसका पूरा का पूरा कॉलम काउंट करके दे देगा। अब आगे के तब ड्रैग करना है, तो ड्रैगिंग पॉइंट जो है वो तो रखना पड़ेगा ना, मुझे फ्रीज करना पड़ेगा ना सर, तो जरूरी है ना सर। यहाँ देखिए B13 है तो 13 फ्रीज करूंगा और 1 बाय 1 को फ्रीज करूंगा ताकि B C D E F बने, और 1 0 2 3 ना करके 1 फिक्स है हमारा। फिर इसको हमने कॉपी पेस्ट कर दिया या ड्रैग कर दिया। अब जैसे कल के रेट में यहाँ पे जोन होगा, एंटर मारते जोन आ जाएगा, आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। तो समझ में आया वी लुकअप का मेथड, जी कोई जी दिक्कत। अब डेटा मेरा अगर चेंज होगा तब क्या करेंगे। जैसे डेटा अभी देखिए इस तरह से वर्टिकल है, आईडी नंबर क्या है मेरे पास, जैसे कॉलम वाइज है ऊपर से नीचे की तरफ है, लेकिन हुआ क्या कि मेरा डेटा इस तरह से लेफ्ट टू राइट हो गया। ठीक है अब यहाँ वी लुकअप तो ना लगेगा, तो मुझे 101 का 105 का जोन चाहिए। तो यहाँ वी लुकअप का ही अपोजिट होता है एच लुकअप। क्या होता है एच लुकअप, लुकअप हॉरिजॉन्टल लुकअप, लगाने का तरीका बिल्कुल वी लुकअप की तरह। लुकअप वैल्यू डेटा सिलेक्ट करने का तरीका चेंज होता है, क्योंकि वी लुकअप में हम कॉलम वाइज डेटा सिलेक्ट करते हैं ना इस तरह से, एच लुकअप में आपको इस तरह से रो वाइज सिलेक्ट करना होगा। वी लुकअप में हम कॉलम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे रो काउंट करना होगा जो कि है 1 2 3 4 7, जोन किस पे है 7 पे है, तो यहाँ पे 7 देगा एंड कॉमा 0 वही एग्जैक्ट मैच के लिए। एंटर प्रेस कीजिए, देखिए साउथ आ गया। अब एच लुकअप के साथ भी वो सारे चीजें कर सकते हैं जो हमने वी लुकअप के साथ किया, वो आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ठीक लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, वो होती है कि जब आपका डेटा सही नहीं है, मैंने शुरुआत में बताया कि आपकी जो यूनिक आईडी है वो स्टार्टिंग में होना चाहिए। अब मेरे पास ये जो सीट है, इस सीट में जो मेरी यूनिक आईडी है वो यहाँ है, कहाँ है, डी पे है। जी अब मैं वी लुकअप लगाऊंगा तो मैं यहाँ सिलेक्शन करूंगा, तो आईडी के बाद मुझे जितनी डेटा वो वी लुकअप दे देगा, बट आईडी से पहले नहीं देगा। इसको हम लोग बोलते हैं नहीं उल्टा देगा वी लुकअप। वी लुकअप कभी लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट नहीं होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। तो क्या करें, तो इसके लिए हम यूज करेंगे मैच और इंडेक्स फॉर्मूले। आप समझिए दोनों फॉर्मूले को, मैच फॉर्मूला तो जान रखे हैं क्या करता है। मैच फॉर्मूला किसी भी सेल्स वैल्यू को, जैसे 104 को रो एंड कॉलम, तो हम इस बार उस बार हमने वी लूप के साथ कॉलम लिया था, रो लिया था, इसमें हम कॉलम करते हैं, हमने सिलेक्ट कर लिया कॉमा 0 ये बताएगा, काउंट करके देगा कि 104 का रो इंडेक्स नंबर क्या है, रुकिए 6, मतलब यहां से काउंट किया 1 2 3 4 5 6। अब यहां देखिएगा ये जो 6 रो नंबर 6 और 6 में कोई अंतर, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, वो काउंट करता है जहां से फॉर्मूला सिलेक्ट किए ना, मैंने D1 से सिलेक्ट किया है तो D1 से काउंट करेगा कि 1 2 3 4 5 6, और 6 दे दिया। हम इंडेक्स फॉर्मूला समझिए, इंडेक्स फॉर्मूला क्या कहता है कि तुम मुझे पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट करके दो, क्या सेलेक्ट करके दो, डेटा पूरा पूरा सेलेक्ट। डेटा सर डेटा सर अब मुझे बताओ कि इस डेटा में से कौन सा नंबर रो एंड कौन सा नंबर कॉलम चाहिए। कौन सा नंबर कौन सा नंबर रो रो और कौन सा और कौन कॉलम सा कॉलम चाहिए, तो चाहिए, तो मुझे आइडेंटिटी होगी, चाहिए, डी होगी, ये सब होंगे सब, हाँ 6 नंबर या रो एंड मान लीजिए मुझे हाँ ऑर्डर वैल्यू जो कि दूसरे नंबर कॉलम पे है 2 नंबर कॉलम दे दिया।
हाँ तो 6 नंबर रो एंड 2 नंबर कॉलम की वैल्यू उठा के दे देगा, हाँ मतलब यहाँ पे आएगा 6 और 2, 3, 4, 5 उठा के इसने ओके दे दिया। ओके ओके, फिर सीधा कर सीधा देगा कर वो देगा जो वो जो। फिर जी। इस अब समय मैं मेरे को थोड़ा सा डाउट, बोलिए जी, थोड़ा मैच थोड़ा का और मैथ्स बता का दीजिए, बता मैच दीजिए, का मैं मैथ्स थोड़ा का थोड़ा कंफ्यूज सर। मैथ सिंपल, किसी भी सेल्स वैल्यू को रो एंड कॉलम में ढूंढता है, अगर अवेलेबल हूँ। हुआ हाँ हाँ तो कितने नंबर रो या कितने नंबर कॉलम पे है वो बता देता है। जैसे इसने 104 को ढूंढा, उसको मिल गए, तो कितने नंबर रो पे मिला, तो यहां से काउंट करता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पे मिली, तो 6 नंबर दे दी। अगर नहीं मिलेगा तो एन ले दे देगा यार। मतलब मान लीजिए कि वी लुकअप तो डेटा लुकअप करना है ना, आपको जस्ट चेक करना है कि ये नंबर है या नहीं। जैसे मान लीजिए कि मुझे 10 यहाँ पे, मान लीजिए मुझे पता करना है कि 115 है या नहीं है, तो वी लुकअप क्यों लगाएंगे हम, यहाँ पे डायरेक्ट मैच लगा देंगे। मैच फॉर्मूला इस 115 को इस पूरे कॉलम में ढूंढेगा, अगर मिल गया तो कितने नंबर रो पे मिला वो ये बता दिया कि ये रहा 17 नंबर। समझे? लेकिन ध्यान रखिए कि 17 नंबर जो ये रो है ना, इसको कोई लेना देना नहीं है इससे, इसने काउंट किया यहां। कल के डेट में अगर मैं अच्छा यहां से कुछ रो अलर्ट कर देता हूं, तो अगर अब मैं वी लुकअप लगाता हूं, वी लुकअप सॉरी मैं वी लुकअप अपनी मैच मैच, और हमने 115 को सिलेक्ट किया और हमने यहां से 6 सिलेक्शन किया, तो अभी भी देखिएगा क्या आएगा, 7 आपका वही 17 ही है, जबकि 115 का रो नंबर 22 है। तो इसने यहां से काउंटिंग किया मैनुअली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इस तरह से इसने काउंट किया। ठीक है, समझे? जी, तो उसी तरह से ये ऊपर से नीचे भी ढूंढ सकता है और लेफ्ट टू राइट भी ढूंढ सकता है, ठीक है। मतलब वी लुकअप एच लुकअप दोनों का काम कर रहा है। तो ठीक है। यहां यहां जो मैनुअली जो 6 हमने डाला, इस 6 के जगह पे हम मैच का फॉर्मूला लगा देंगे, तो वी लुकअप जैसा फॉर्मूला बन जाएगा। किसके जैसा फॉर्मूला बन ठीक जाएगा? ठीक वी लुकअप जैसा। वी लुक वी लुक अब मैं यहाँ पे 1, 1, 10 करूंगा तो 1, 1, 10 की वैल्यू आएगी, 1, 1, 1, 0, 9 करूंगा तो 1, 0, 9 की वैल्यू आएगी, क्योंकि जो इंडेक्स को जो रो नंबर है वो मैच प्रोवाइड। तो जो उल्टा वी लुकअप हो, जब डेटा कभी इस तरह से आपकी यूनिक आईडी बीच में हो, तो आप मैच और इंडेक्स का इस्तेमाल करें। ठीक है? ठीक।